जगदीश बिडिया सर पर भी आरोप लगाते हैं कि वो भी खुद नशे से लिप्त है और वो बीजेपी में है इस बार, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्यों सर की सीट तो रेवंत राम जी डांगा निकालेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि हनुमान जी सबको गुमराह कर रहे हैं, पहले पूर्ण रूप से उनको पूछो वो बीजेपी में वोट देंगे, कांग्रेस में देंगे, हबीबुर्रहमान रहमान देंगे, उनका संपूर्ण परिवार किसको वोट देंगे, उसको वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। जब खुद भी वोट अपनी पार्टी को नहीं दे रहे हैं और बाकी जनता को फिर फिर के कह रहे हैं बोतल में वोट दो, तो खुद का वोट का पता तो करें किसको देंगे। हाँ मतलब नागौर विधानसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, आप उसके बारे में बात कर रहे हो? मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ और आप मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में किसी भी मीडिया और पत्रकार की ये पूछने की हिम्मत नहीं उनको कि वोट किसको दें, उसका खुद का वोट तो क्लियर करें फिर दूसरे को वोट मांगे भी बीजेपी में दें बोतल में दें किसको दें। तो आपको क्या लग रहा है इस बार वो किसका समर्थन कर रहे हैं नागौर में? मैं आपसे ये पूछ के बोलना चाह रहा हूँ जो आदमी घर नहीं बसा सकता वो गांव कैसे बसाएगा, मेरा ये पहला प्रश्न है आपसे भी। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। क्या इस कहाँ से हो आप? कुर्ची से। क्या माहौल है इस बार कुर्ची में? बहुत ही अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है लोग, कुर्ची के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। 15 साल में लोगों को गुमराह करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। जो भी योजनाएं हैं सेंटर की योजनाएं हैं, हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, उस योजना को गांव वालों को गुमराह करते हैं। मैंने आपको डोल की दिलवा दी, लाइट दिलवा दी, अरे लाइट का तो पूरे देश में बिजली पानी जो भी है मतलब सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है वो दे रहे हैं और ठप्पा अपना लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। कहाँ से आए आप? गाँव मेड़ास पंचायत समिति मानकपुर। इस बार क्या माहौल देख रहे हो आप? क्यों सर? माहौल 100% परिवर्तन आएगा इस बार, रेवंत राम जी डांगा यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या क्या कुछ विकास हुआ उसके बारे में बताओ। ऐसा है हमारे गांव में विकास की बात करें तो अगर अब आपको हम बोले, यहाँ तो हम अभी भी तो पापाशनी में हैं, अगर वहाँ होते तो जाके दिखा देते। पानी की जो लाइनें आई थी वो सारी बंद पड़ी हुई है और पूरे गांव का जो पहले ब्लॉक लगे हुए थे वो सारे तोड़ दिए और गांव की आज की ये स्थिति है, गांव में घुसना हुआ वो दुबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पंचायत समिति पहले जो पुराना था सरपंच वो भी इनके फेवर का ही था हनुमान जी के, अब नए वाले आ रहे हैं तो उनके पास सीधी सी बात है फंड की कमी है, अब एक साथ पूरी पंचायत में तो काम हो नहीं पाता और इसकी वजह से सब काम बीच में लटके हुए हैं। क्यों सर विधानसभा के लगभग सभी अभी कुर्ची बेरावास ये पापासनी और चिमरानी आसपास के गांव के लोगों ने कुछ कहा है कि हमारा विकास नहीं हुआ, तो हनुमान जी एक तरफ बता रहे हैं कि वो इस बार 2023 में उनकी सरकार बन रही है और ये उनकी विधानसभा के लोग ही मना कर रहे हैं? ऐसा है, मन में अपने मन से कोई अपनी सरकार बना सकता है, इसमें कोई नहीं, ये आज़ाद देश है, आज़ाद नागरिक है, आज़ाद नेता है, कोई अपनी सरकार बना सकता है। इनको पूछना चाहिए कि आपकी सीटें कितनी आ रही है, आप पहले बोल रहे थे 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे, अब 83 80 के समथिंग इन्होंने कोई टिकट बांटे, 80 सीटों से सरकार बन जाती है? तो आपको क्या लगता है 80 सीटों में से कितनी सीट इस बार RLP जीत रही? अब चुनाव तो जिन पीछे 3 सीटें जीती थी शायद RLP ने और इस बार मेरे को ये लगता नहीं कि 3 भी आ पाएगी। और क्यों सर की सीट? क्यों सर की सीट तो रेवंत राम जी डांगा निकालेंगे, पूरा समर्थन जा रहा है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगभग पूरी खींवसर विधानसभा में घूम चुके हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें रेवंत राम जी की जीत नहीं हो रही। 36 कौम के लोग, चाहे SC ST है, OBC है, चाहे जाट समाज है, चाहे राजपूत समाज, ऐसा कोई भी समाज का व्यक्ति हमें मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि हमें रेवंत राम जी डांगा जो है प्रत्याशी के रूप में पसंद नहीं है। किन मुद्दों पे इस बार आप बीजेपी को चुन रहे हो? देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो खींवसर में है वो ये है कि शांति और नशा, सबसे ज़्यादा पिछले 15 सालों में युवा जो नशे के पीछे बर्बाद हुए हैं वो सबसे बड़ी समस्या खींवसर की है और युवाओं के लिए। अब युवा क्या है कि ऐसा दिमाग होता है कि वो एक खाली पेन ड्राइव जैसे या खाली CD होती है, अब जो भी स्कूल से कॉलेज से निकल के आते हैं उनको राजनीतिक जो भी चीज़ बातचाएँ या बातें उनके दिमाग में डाल दी जाती है फिर वो उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं। उसकी वजह से अब युवा ऐसे हो गए हैं कि उनके माता पिता उनके गार्जियन भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं ना तो उनके बातें समझ में आती नहीं, उनको ये पता नहीं कि तुम जो रास्ते पर चल रहे हो ना वहाँ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और जब रास्ता ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये हालत होगी कि तुम पीछे मुड़ने लायक भी नहीं रहोगे। अब हम जहाँ भी जाते हैं अपने यार दोस्त साथियों को कहते हैं भाई मेरे या तो पढ़ाई में लग जाओ या काम में लग जाओ, रैलियों में घूमने से कुछ नहीं होना। RLP वाले क्यों सर प्रधान प्रतिनिधि जगदीश बिडिया सर पर भी आरोप लगाते हैं कि वो भी खुद नशे से लिप्त है और वो बीजेपी में है इस बार, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, अब कुछ समझदार आदमी हैं उन्होंने देख लिया कि उनकी RLP में चलती नहीं है, या कुछ लोग जैसे रेवंत राम जी हैं, इनकी 4 पीढ़ी को लगभग हमारे दादा परदादा जानते हैं,
किसी भी तरह के गलत आरोप इन पे आज तक नहीं लगे। कोई अवैध गतिविधि में इनका परिवार का कोई सदस्य कभी शामिल नहीं रहा। मुझे ये बताओ क्यूंसर में ऐसा कौन सा घर है कोई परिवार जिसकी चार पीढ़ी के अंदर कोई अवैध गतिविधि या कोई केस मुकदमा या उल्टे सीधे आरोप नहीं लगे हो? है कोई ऐसा परिवार इतना साफ सुथरा? मैं तो खुद कह देता हूँ कोई 302 के मुलजिम होंगे या कोई 376 का होगा। अब कई लोग आपके मीडिया पे भी आके कह देते हैं कि जगदीश जी के ऊपर ही आरोप है। मैं ये नहीं कहता कि आरोप नहीं होंगे, होंगे, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, कईयों के ऊपर मुकदमे होंगे। लेकिन जो आदमी सुधर जाता है ना, हर आदमी का एक यूटर्न होता है, समय आता है, यूटर्न ले लेता है, तो बढ़िया बात है। अब कोई अंधा भक्त होके पीछे ही घूमता रहे, फिर उसका जीवन पर्यंत वो उसी को फॉलो करे, वो जैसा बोले वो करे, तो उसको आप सही कैसे बोलोगे? 2023 के चुनाव में इस बार सरकार बीजेपी की बन रही है कांग्रेस की? अब हमें तो संभावना बीजेपी की लग रही है। अच्छा माहौल है सर में अभी? अब हम तो अच्छा क्या, हम तो बम्पर जीत की कोशिश कर रहे हैं, आप तो अच्छे की बात। कितने हजार वोटों से जीत मान रहे हो? अब हजार वोटों की तो ऐसा है कि लगभग 90,000 प्लस वोट लेंगे रेवंत जी, हमारे हिसाब से 90,000 से ऊपर वोट ले सकते हैं।